हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है रिएक्ट जेएस का पार्ट नंबर 52 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका रिएक्ट यूज सिंक एक्सटर्नल स्टोर हुक के बारे में, जो कि आपका रिएक्ट 18 के अंदर ही आया है हुक। तो इसके अंदर हम देखेंगे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल की किस तरीके से इस हुक को यूज करना चाहिए आपको रिएक्ट की एप्लीकेशन के अंदर। एंड जस्ट की गाइस, मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया रिएक्ट जेएस टूल की सीरीज चल रही है। कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख भी सकते हैं। एंड आपको मेरी किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ भी सकते हैं। सारे के सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, जाएं एंड फॉलो कर लें। चलिए यहां पे देखते हैं। सबसे पहले हम व्हाट इज अ यूज सिंक एक्सटर्नल स्टोर, इसको इसका मतलब क्या है। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन रखा मैंने इसका, इसको रीड कर लेते हैं पहले। इन रिएक्ट यूज सिंक एक्सटर्नल स्टोर इज अ रिएक्ट हुक दैट लेट्स यू सब्सक्राइब टू एक्सटर्नल स्टोर। अब यहां पे आपको स्टोर मिल रहा होगा, यहां पे आपको जो वर्ड मिल रहा है स्टोर, स्टोर का मतलब क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि अभी मैंने जब रिसेंटली आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ाया था और यूज कॉन्टेक्स्ट पढ़ाया था, तो वो हमारा क्या करता है, स्टोर करने का ही काम करता है, राइट। अब स्टोर कुछ भी हो सकता है, वो एपीआई की वैल्यू भी हो या फिर स्टेट हो, जो भी। अब स्टेट मैनेजमेंट के लिए अभी तक हम क्या यूज करते आ रहे थे, रिडक्स। और आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है आपका रिडक्स टूलकिट, जो कि आने वाली वीडियोस में मैं आपको कवर करूंगा। तो वैसा ही कुछ ये होता है कि जैसे कि मानिए कुछ एक्सटर्नल स्टोर है आपके पास में, राइट, और वो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। मानिए उसका डेटा आपको यहां पे दिखाना है, तो वो कैसे आप कर सकते हैं, लाइक ये बैकएंड का काम है। जैसे बैकएंड के, बैकएंड का डेटा आपके पास में, राइट, उस बैकएंड के डेटा को आप रिएक्ट के एप्लीकेशन में दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इस चीज को यूज करा जाता है, जो कि रिएक्ट 18 के अंदर ही इंट्रोड्यूस करा गया है। ये एक नया हुक है, ओके। तो यहां पे इसका जो सिंटैक्स बनता है, देखिए किस तरीके से बनता है आपका कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के बाद जो भी आपको वेरिएबल का नाम देना है वो, एंड देन इसके बाद है आपका यहां पे यूज सिंक एक्सटर्नल हुक, एंड देन तीन पैरामीटर यहां पे आते हैं आपके, सब्सक्राइब, गेट स्नैपशॉट, गेट सर्वर स्नैपशॉट, ओके। ये तीन पैरामीटर के बारे में अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले इसके यूज केसेस देख लेते हैं कि यूज केसेस कौन कौन से बनते हैं इसको यूज करने के लिए। तो कॉल यूज सिंक एक्सटर्नल स्टोर एट द टॉप लेवल ऑफ योर कंपोनेंट टू रीड अ वैल्यू फ्रॉम अ एक्सटर्नल डेटा स्टोर। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आपका एपीआई भी हो सकता है या फिर आपका कोई भी डेटाबेस जिससे कि आप डेटा भेज रहे हैं, वहां से आप इस चीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे, इट रिटर्न्स द स्नैपशॉट ऑफ डेटा इज द स्टोर, यू नीड टू पास टू फंक्शंस एज आर्ग्यूमेंट। आपको दो चीजें पास करनी मैंडेटरी है यहाँ पे, क्योंकि थर्ड वाला आपका ऑप्शनल है यहाँ पे, ओके, सिंटैक्स के अंदर। फर्स्ट है आपका यहाँ पे, द सब्सक्राइब फंक्शन शुड सब्सक्राइब टू स्टोर एंड रिटर्न अ फंक्शन दैट अनसब्सक्राइब्स। मतलब कि आपका कोई स्टोर है मानिए और उसकी वैल्यू आपको सारे की सारी चाहिए, तो ये क्या करता है, वो रजिस्टर करने का काम करता है, ओके। तो उसी को यहाँ पे ये सब्सक्राइब बोलते हैं, और सब्सक्राइब जैसे ही हो जाएगा तो वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी, और जो कि एक फंक्शन है ये। सेकंड पैरामीटर आपको इसके अंदर भेजना होता है, द गेट स्नैपशॉट फंक्शन शुड रीड अ स्नैपशॉट ऑफ द डेटा फ्रॉम द स्टोर। इट मींस कि आपका ये क्या करता है, ये सर्वर के साथ में, सर्वर पे जब आपका रेंडरिंग करने की बारी आती है स्टोर की, तो वहां पे क्या करता है, ये स्नैपशॉट का फंक्शन है वहां पे, ये वर्क करता है बैकएंड के लिए, ठीक है। तो ये भी आपका है बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये सारे पॉइंट्स थे आपके। अब इसके बाद अब इसका यूजेस कौन कौन से, ठीक है, यूजेस के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है छोटा सा पैराग्राफ, इसको रीड कर लेते हैं पहले। मोस्ट ऑफ यू रिएक्ट कंपोनेंट्स विल ओनली रीड डेटा फ्रॉम द प्रॉप्स स्टेट एंड कॉन्टेक्स्ट, हाउएवर समटाइम्स अ कंपोनेंट्स नीड टू रीड सम डेटा फ्रॉम द स्टोर आउटसाइड ऑफ रिएक्ट दैट चेंज ओवर टाइम इट्स इंक्लूड्स, ओके। तो यहां पे मैंने आपको बताया कि प्रॉप्स, स्टेट एंड कॉन्टेक्स्ट, ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ा रखा है अपनी प्रीवियस कुछ वीडियो में। तो आपने देखा है कि किस तरीके से हम अपने डेटा को स्टोर करवाते हैं वहां पे, बट कभी कभी हमें रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि बाहर से, रिएक्ट के बाहर से, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से हम चीजें गेट कर सके, जिसके लिए आपका रिडक्स बहुत ज्यादा फेमस था, जहां पे स्टेट मैनेजमेंट हम करते थे, ओके। तो यहां पे मैंने जो पॉइंट लिखा है आपका, द थर्ड पार्टी स्टेटमेंट मैनेजमेंट लाइब्रेरीज दैट होल्ड स्टेट आउटसाइड ऑफ रिएक्ट, जैसे कि आप सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एग्जांपल है इसका रिडक्स, ओके। एंड देन सेकंड पॉइंट है आपका यहां पे, ब्राउजर एपीआईज दैट एक्सपोज अ म्यूटेबल वैल्यूज एंड इवेंट्स टू सब्सक्राइब टू इट्स चेंजेस, ओके। कि मानिए कि जो एपीआईज है, जो भी उसकी वैल्यूज हमें रखते हैं, जो भी इवेंट फायर करते हैं हम, वो सब्सक्राइब करके यहां पे हम रख सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं, ओके। अब यहां पे जो मैंने आपको अभी इसका सिंटैक्स दिखाया है, राइट, तो सिंटैक्स तो आप समझ गए कि सिंटैक्स में आप सिंपल लिखेंगे यूज सिंक एक्सटर्नल स्टोर, जिसके अंदर तीन पैरामीटर मिलते हैं। सबसे पहला होता है आपका यहां पे सब्सक्राइब, ओके। अब सब्सक्राइब क्या है आपका, सब्सक्राइब एज अ एक फंक्शन है जो कि रजिस्टर्ड करता है, और ये एक कॉल बैक फंक्शन है, ध्यान रखिएगा। जब कभी भी ये चलेगा, और ये चलने के बाद आपको क्या करेगा, स्टोर की ही वैल्यू यहां पे चेंज होगी। जब भी स्टोर चेंज होगा ना, तो वो आपकी वैल्यू चेंज करके ही देगा आपको, ओके। एंड सेकंड है आपका यहां पे गेट स्नैपशॉट, ओके। ये भी आपका एक फंक्शन है
ओके और ये क्या करता है, आपको रिटर्न करता है करंट वैल्यू को, जो भी स्टोर की करंट वैल्यू होती है ना वो आपको यहां पे रिटर्न करता है, वही मैं यहां पे मेंशन भी कर रहा हूं। देखिए कॉल बैक फंक्शन आपका पहला है, सेकंड आपको क्या करता है वो करंट वैल्यू स्टोर की निकाल के देता है, थर्ड है आपका, थर्ड पॉइंट है आपका यहां पे गेट सर्वर स्नैपशॉट, ये ऑप्शनल है वैसे तो, बट ये रिटर्न क्या करता है आपका जब भी आपका सर्वर से रेंडरिंग चल रही होती है, ओके उस टाइम पे ये सारी की सारी चीजें आपको रिटर्न कर रहा होता है, बट ये ऑप्शनल है तो ये पैरामीटर आपको पास करने की जरूरत है नहीं वैसे, ओके जैसे कि आपने पिछले पॉइंट्स में भी देखा इसको। तो ये है आपका छोटा सा थ्योरी का पार्ट गाइस, उम्मीद करता हूं कि चीजें समझ में आई होंगी इस हुक के बारे में। अब इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि प्रैक्टिकल में कैसे आप कर सकते हैं, ओके तो यहां चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे और एडिटर पे से करके देखते हैं हम। सो गाइस एडिटर पे आने के बाद हमारे पास में app.js फाइल है, यहीं पे हम सारी चीजें करेंगे और इसका जो आउटपुट हमें देखने को मिलेगा वो हमारे इस ब्राउजर पे देखने को मिलेगा यहां पे, ओके अब देखिए सबसे पहले हमारे पास बैकएंड का तो डेटा है नहीं ऐसे, तो हम क्या करेंगे यहां पे सपोज आपको कुछ और इवेंट्स करने ब्राउजर से रिलेटेड, ओके तो ब्राउजर से रिलेटेड इवेंट करने हैं तो आपको कैसे इस चीज को यूज कर सकते हैं आप, तो देखिए वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। सबसे पहले तो आपको यहां पे इंपोर्ट करना होगा जो हमारा यूज सिंक एक्सटर्नल स्टोर है, इसको इंपोर्ट करेंगे आप, ओके एंड देन मैं यहां पे लिख देता हूं आपका एग्जांपल वन कॉन्स्ट, ओके कॉन्स्ट के बाद आप यहां पे मैं इसका विड्थ नाम देता हूं क्योंकि मैं विड्थ निकालना चाहता हूं जो भी मेरी विंडोज का विड्थ है, ओके अब वो विड्थ निकालनी है मेरे को, तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको अभी यहां पे सिंटैक्स दिखाया यूज सिंक एक्सटर्नल स्टोर, ये लेंगे आप। इसके बाद मैंने अभी आपको क्या बताया था, ये आपका एक फंक्शन है, ये मैंने ये ले लिया आपका एक फंक्शन, ओके इसके बाद सेकंड भी मैंने आपको बताया कि एक फंक्शन है आपका, ओके तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं आपका फंक्शन ये देखिए, और फिर हमें यहां पे थर्ड देने की जरूरत पड़ेगी नहीं जैसे मैंने वहां पे बताया कि वो ऑप्शनल है। अब यहां पे दो फंक्शन है हमारे पास में, तो देखिए सबसे पहले वाले फंक्शन को कंप्लीट करते हैं पहले, तो मैं एक यहां पे पैरामीटर ले लेता हूं पहले आपका यहां पे लिसनर, ठीक है ये मैंने यहां पे पास कर लिया आपका। अब इसके बाद में मैं क्या करता हूं यहां पे इसे एंटर मारते हैं, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं विंडो डॉट इवेंट लिसनर लेते हैं यहां पे, ठीक है इसके अंदर रीसाइज का ऑप्शन होता है, ये सब जावास्क्रिप्ट में मैंने ऑलरेडी अपनी सीरीज में कवर कर रखा है, जिन्होंने जावास्क्रिप्ट पढ़ रखी भी होगी और जिन्होंने मेरी सीरीज देख रखी होगी उन्हें ये आइडिया लग गया होगा मैं क्या करने वाला हूं। यहां पे आपका रिटर्न है, रिटर्न के बाद में मैं क्या कर रहा हूं आपका यहां पे कि मैं क्या वैल्यू रिटर्न करवाना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा रिमूव वाला भी यहां पे एड ऑन करेंगे कि एड तो होगा वो आपका विंडोज का रीसाइज का, बट उसे रिमूव भी तो करना होगा, तो रिमूव हम कर देंगे आपका क्या लिसनर जो भी पैरामीटर हम यहां पे पास कर रहे हैं। तो ये तो हो गया पहला वाला फंक्शन जिसके अंदर मैंने आपको बताया सब्सक्राइब कर रहे हैं, ओके जिसे हम रजिस्टर्ड कह सकते हैं। अब ये सब्सक्राइब कैसे कि ये विंडोज पे जाएगा फंक्शन, सबसे पहले देखेगा रिसाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो चीज यहां पे आपकी ट्रिगर्ड करेगी, ठीक है। सेकंड में आपका क्या है कि वो करंट वैल्यू निकालनी है हमें, अब करंट वैल्यू कैसे निकालनी है ये भी एक फंक्शन था आपका, तो हम लिखेंगे विंडो डॉट इनर विड्थ कर देंगे हम, ठीक है तो जिससे कि आपका क्या होगा कि जो ब्राउजर है उसकी आपकी इनर विड्थ आपको यहां पे मिल जाएगी, ओके अब मिलने के बाद में आप क्या करेंगे उसके बाद में आप यहां पे उसे प्रिंट भी करवा सकते हैं। देखिए मैं यहां पे लिख लेता हूं आपका कुछ इस तरीके से, यहां पे करते हैं आपका विंडो साइज और यहां पे जो हमने लिया है विड्थ उसको यहां पे प्रिंट करवा देते हैं जो कॉन्स्ट है आपका, ओके तो देखिए कितना सिंपल है, सिंपल हमने सबसे पहले आपका इंपोर्ट करा, इंपोर्ट करने के बाद में जो सिंटेक्स मैंने आपको थ्योरी में दिखाया वही मैंने यहां पे रिटर्न करा है। देन मैंने बताया था आपको फंक्शन है, तो फंक्शन में एक पैरामीटर लिया मैंने, सबसे पहले वो रिसाइज करने के लिए मैंने यहां पे रखा है आपका कि रिसाइज होता है वो तो इवेंट लिसनर फायर होगा एंड रिटर्न क्या करेगा वो आपका रिमूव करता रहेगा, ठीक है और यहां पे जो उसकी करंट वैल्यू होगी जो सेकंड करंट वैल्यू निकालने का पैरामीटर है वहां पे मैंने एक और फंक्शन रखा है जिसके अंदर विंडो डॉट इनर विड्थ रखा है, ओके तो अब चलते हैं यहां पे ब्राउजर पे और देखते हैं कि हमें आउटपुट क्या देखने को मिल रहा है। तो यहां आएंगे, यहां आने के बाद आप देखेंगे देखिए ये मेरी विंडो का साइज निकाल के आपको दिखा रहा है, ओके अगर मैं जैसे यहां पे करूं इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट करने के बाद देखिए कंसोल हमारा यहां पे ओपन हो गया, जैसे ही ओपन हुआ वहां पे इसका नंबर चेंज हो गया। अगर मैं इसी को आपका रिसाइज करूं तो देखिए आपको नंबर विजिबल हो रहा होगा कि कम ज्यादा होते जा रहा है ये देखिए, ठीक है अब मैं थोड़ा सा वापस इसे बढ़ाऊं तो देखिए, तो देख रहे हैं आप कि किस तरीके से आप इस हुक को यूज कर सकते हैं यहां पे। बेसिकली ये हुक तो यूज होगा आपका बैकएंड से डेटा गेट करके, देन उसको आपको न्यू डेटा स्टोर एक्सटर्नल स्टोर को गेट करके डेटा दिखाने के लिए, बट कुछ इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हैं जो कि एग्जांपल मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, ओके तो मैं उम्मीद करता हूं गाइस जो इस वीडियो के अंदर चीजें मैंने आपको बताई हैं वो समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस नेक्स्ट वाले पार्ट में हम कवर करेंगे आपका यूज ट्रांजिशन हुक के बारे में जो कि आपका रिएक्ट 18 का ही पार्ट है, इसको भी कवर करेंगे हम थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।